नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। इंदौर में एक मस्जिद पर लगा गजवाए हिंद का पोस्टर। दरअसल ऐसे ही कुछ दावे के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में कागदीपुर क्षेत्र की इस मस्जिद की तस्वीर वायरल हुई। इस पर एक पोस्टर लगा है। इसके साथ दावा किया जा रहा है कि इस पोस्टर में गजवाए हिंद का आतंक दिखाया गया है। ये दावा भाजपा विधायक मालिनी गौड के बेटे एकलव्य गौड ने सबसे पहले किया था। दैनिक भास्कर से बात करते हुए एकलव्य ने ये कहा, पोस्टर में दो पक्षों को आपस में लड़ते हुए दिखाया गया है और एक पक्ष के हाथ में भगवा झंडे दिखाए गए। मेरी आपत्ति उसी बात को लेकर थी कि कोई दो इस्लामिक पक्ष आपस में लड़ रहे हैं तो उसमें भगवा झंडे होने का क्या वजह। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले में कहा कि अगर आरोपी उनके हाथ लग जाए तो वो उसे उल्टा लटका कर शहर में घुमाएंगे। अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत जानकारी शेयर करने वाले रोशन सिन्हा और आरएसएस की मुखपत्रिका पांचजन्य ने भी ऐसा ही दावा किया। देखते ही देखते कई मीडिया संगठनों ने भी ये दावा शेयर किया। इस लिस्ट में ऑप इंडिया, हिंदू पोस्ट, जी न्यूज, न्यूज 24, न्यूज 18, इंडिया टुडे ग्रुप का एमपी तक, अमर उजाला, नई दुनिया, पंजाब केसरी शामिल है। ऑल्ट न्यूज ने जब इस मामले में छानबीन की तो पाया कि पोस्टर में गजवाए हिंद का कोई जिक्र नहीं है। पोस्टर पर मन कुंतो मौला फा अली उन मौला लिखा है, जिसका मतलब है जो मुझे मौला मानता है अली उसका भी मौला है। ये टेक्स्ट दुनिया भर में शिया मुसलमानों की आस्था की बुनियाद है। हालांकि टेक्स्ट में मौला शब्द का अर्थ शिया और दूसरे मुसलमानों के लिए अलग अलग है, यानी इसमें गजवाए हिंद का कोई जिक्र नहीं है। वहीं पोस्टर में दिख रही तस्वीर को लेकर जब हमने छानबीन की तो पाया कि ये तस्वीर इराक के शहर करबला से जुड़ी इतिहास की एक बड़ी घटना से प्रेरित है। मौलाना सैयद मोहम्मद जॉन आब्दी ने इस मामले में फैक्ट चेक करते हुए शबील मीडिया में ये कहा, इसी बात पर गुफ्तगू करेंगे, उस पोस्टर का फैक्ट चेक आपकी खिदमत में पेश करेंगे और गजवाए हिंद की क्या रियलिटी है, उसकी क्या हकीकत है, वो हम आपकी खिदमत में बयान करेंगे। आइए पहले हम समझ लेते हैं कि असल मसला क्या है। ये नेताजी जाते हैं कागजीपुरा और मस्जिद के ऊपर जो पोस्टर लगा हुआ है उसके ऊपर एतराज़ करते हैं कि ये जो पोस्टर है इसमें गजवाए हिंद की मंजरकशी की गई है। ये जो खातून हाथ में सब्ज़ झंडा यानी हरा झंडा लिए हुए हैं, ये मुसलमानों की जीत का ऐलान कर रही हैं। सामने जो फ़ौज खड़ी है उसके हाथ में भगवा झंडा है और वो ये ऐलान कर रही हैं कि हमने इन लोगों को हरा दिया है और ये पूरा गजवाए हिंद का मंजर है। लिहाजा इस पोस्टर को हटाया जाना चाहिए, एतराज़ किया गया और उसके बाद ज़बरदस्ती ये पोस्टर निकलवा दिया गया। आइए इसका फैक्ट चेक करते हैं। पहले पोस्टर के ऊपर हम बात करते हैं कि पूरा मंजर जो पोस्टर में बयान किया गया है वो क्या है। इस पोस्टर का कोई ताल्लुक गजवाए हिंद जैसे प्रोपेगेंडे और फेक कॉन्सेप्ट से नहीं है, बल्कि 2 सितंबर 2019 को ईरान के आर्टिस्ट पोया सराबी ने इस पोस्टर को करबला के रेजिस्टेंस से मुतालिक बनाया था, जिसे तेहरान के वलिया स्क्वायर की बिल्डिंग पर लगाया गया था। वो खुद ये कहते हैं, यानी पोया सराबी खुद ये कहते हैं कि इस पोस्टर की थीम गम, मजलूमी और जुल्म से मुकाबला है। यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के ऊपर जुल्म को इसमें दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि हुसैनी कमांडर यानी फौज हुसैन के कमांडर, फौज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कमांडर जनाब अब्बास का परचम कभी झुक नहीं सकता है और ये एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहेगा। जुल्म और जालिम से मुकाबला जारी रहेगा जब तक जुल्म का इस सरजमीन से खात्मा न हो जाए। मर्दों की शहादत के बाद करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शेरदिल बहन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इसे उठाया और उनके साथ उनकी 4 साल बेटी यानी जनाब सकीना अपनी फूफी के साथ उस अलम को पकड़े हुए हैं और वो कह रही हैं कि मेरे चचा अब्बास के कटे हुए हाथों की कसम ये अलम झुक नहीं सकता। जब सारे मर्द शहीद हो जाते हैं तो ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वहाँ पर हाथ में सब्ज़ रंग का परचम लेकर खड़ी होती है। ये सब्ज़ रंग का परचम रेजिस्टेंस की अलामत है, मुकाबले की अलामत है कि तुम हमारे भाइयों को, हमारे मर्दों को, हमारे घर वालों को तहतेक तो कर सकते हो, उनको शहीद तो कर सकते हो, उनको कत्ल तो कर सकते हो, तुम ये जुल्म तो कर सकते हो, मगर हम हक़ के पैरोकार कभी भी जालिम के आगे सर नहीं झुका सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर जो मंजरकशी हुई है, जनाब ज़ैनब हाथ में परचम लिए हुए हैं, ये रेजिस्टेंस और मुकाबले की अलामत है जुल्म के सामने। लिहाजा इसका गजवाए हिंद से कोई ताल्लुक नहीं है। परचम और वो जो अलम और जो झंडा हाथ में है उसके रंग की, ये जो झंडा जनाब ज़ैनब के हाथ में है ये सब्ज़ रंग अलामत है रेजिस्टेंस की, मुकाबले की, मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में। और यहाँ पर गजवाए हिंद का कोई ताल्लुक इससे नहीं है। नेताजी का कहना है
कि सामने जो फौज के हाथ में झंडा है वो भगवा कलर जी नहीं, वो भगवा कलर का झंडा नहीं है बल्कि वो लाल रंग का झंडा है, और लाल रंग का झंडा उस वक्त बनी उमैया का कलर हुआ करता था। इस तस्वीर के सिलसिले में ऑल्ट न्यूज ने ईरान के कोम शहर में अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी में भारतीय ईरानी इस्लाम धर्म के जानकार प्रोफेसर सैयद जमीर अब्बास जाफरी से बात की। उन्होंने भी इसे करबला के युद्ध से जुड़ा बताया और साथ में ये भी कहा कि इस तस्वीर का गजवाए हिंद से कोई लेना देना नहीं है। ऑल इंडिया शिया समाज के प्रदेश प्रवक्ता सैयद दिलशाद अल नकवी ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए बताया कि ये पोस्टर करीब 4 महीने पहले लगाया गया था। हर साल मोहर्रम त्यौहार के मौके पर ये पोस्टर लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि इसमें हजरत इमाम हुसैन की शहादत की जगह दिखाई गई है। ईरान की एक न्यूज वेबसाइट में इस तस्वीर के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में तस्वीर के क्रिएटर पुया शराबी के हवाले से लिखा है कि तस्वीर में उन्होंने इमाम हुसैन की 3 साल की बेटी का नजरिया दिखाया है। पुया शराबी ने 2019 में इस तस्वीर को इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया था। तो जैसा कि आपने देखा, राइट विंग अकाउंट्स और मीडिया संगठनों द्वारा शेयर की गई तस्वीर में गजवाए हिंद जैसी बात का जिक्र नहीं है, बल्कि ये तस्वीर करबला में हुए युद्ध से जुड़े दृश्य की तस्वीर है। अगर मीडिया संगठनों ने वायरल तस्वीर में दिख रहे टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया होता या फिर करवाया होता तो उन्हें भी वायरल दावा भ्रामक मिलता।